ये लॉकेट ये आपको कहाँ से मिला? ये लॉकेट पिछले साल दिए थे, 8 साल में पहली बार एक ही तोहफा दिए। कहाँ से आया ये लॉकेट तुम्हारे पास? याद नहीं आ रहा? चलो ले चलो, याद दिलाओ इनको। भैया दांत तोड़ दिए। अरे आवाज वापस आ गई तुम्हारी तो है? आवाज निकली है तो फिर सच्चाई भी निकलेगी, बताओ जरा। साहब हमारी बीवी जो है वो पागल है और हम अपनी अम्मा के सब गा के कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। तो तुम्हारी बीवी के गले में ये किरण का लॉकेट कैसे पहुंचा? हमको नहीं पता है साहब, हमको तो वो स्कूल में पढ़ा हुआ मिला था। झूठ बोल रहा है। हम कसम खा के कहते हैं, अम्मा कसम खा के कहते सर, जिस सूटकेस में किरण की लाश है उस सूटकेस का लेने खरीदा, ये रिसीप्ट पेमेंट कार्ड से हुआ। इसको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। आलिया, इसने क्या ऐसा? दिशा को क्यों मारा? उसको सब कुछ पता चल गया था इसलिए। क्या बात कर रहे हैं सर, दिशा हमारी बेटी थी। अरे बाप है हम उसके, दोनों बाप अपना बेटी को मार सकता है क्या? कमाल है, अपनी बेटी से इतना प्यार और भूल गया कि किरण भी किसी की बेटी थी। तुम्हारे इस घटियापन की सजा उसके बेचारे पिता को उठानी पड़ी। आप हॉस्पिटल में पियोन है ना, तो आपके लिए तो डेड बॉडी का इंतजाम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आपको पता चल ही गया दिशा के साथ क्या किया तुमने? दिशा, उस दिन परफॉर्मेंस के बाद मैंने उसके जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि पीकर बेहोश हो जाए वो। अखिलेश ने तुम्हारी बेटी का खून किया तो तुमने उसकी बेटी को मार के बदला पूरा कर लिया। क्या सर, आप भी बाप के पाप का बदला भला बेटी से कोई लेता है? ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिशा, गोपाल ने जो कुछ किया उसका मोटिव मैं समझ सकता। गलती तो मेरे पापा की थी, गोपाल बाबा ने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया है। गोपाल बाबा सच में दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। काश मेरे पापा भी इनके जैसे होते, काश वो भी सही और गलत के बीच में फर्क समझ पाते। शंभू जी, बहुत आसान है सिसकती आहों को दबा देना, ताकत के चुनों में मासूम कलियों को जला देना, मगर सोचो तो क्या हो जो उसकी चिंगारी अपने ही आंगन में उड़ाए, जो आग औरों के लिए हो उसे अपना ही घर जल जाए।